मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सभों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज में आप सभों का स्वागत है। आइए आज का बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद प्रभु, आज की संध्या में आपने हमें अपनी संगति में आने का मौका दिया। धन्यवाद प्रभु कि आज के दिन को आपने हमें तोहफे के रूप में दिया है। बीते दिनों में आपने हमें हर एक प्रकार के संकट जोखिम से बचाया, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता। हे पिता, अब हम तेरे वचन पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पिता, आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर कि हम तेरी वचन की शिक्षा को ग्रहण कर पाएं। पिता, हमारे हर एक पाप को तू क्षमा कर, और इस प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आज का बाइबल अध्ययन का विषय है पवित्र बाइबल हमारी शिक्षा, यीशु मसीह हमारा शिक्षक। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सबों को टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षा, शिक्षक ऐसी ज्योति का नाम है जो हमारे अज्ञानता को दूर करती है, और जिसके द्वारा यह ज्योति हमें मिलती है उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षिता जो सारे पेशाओं से ऊपर है, जो सब प्रोफेशन का शिक्षक है। आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हासिल किए हैं, उसमें हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बहुत बड़े शिक्षक, बुद्धिजीव और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने सारे शिक्षकों के सम्मान में अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किए थे। आज के इस सुंदर दिन में हम सारे शिक्षकों को, चाहे वे स्कूल, कॉलेज या संडे स्कूल के शिक्षक हो, सबों को सम्मानित करते हैं। आज अगर हमारे देश में यह कोरोना महामारी का प्रकोप ना होता तो शायद आज हर एक छात्र अपने स्कूल कॉलेज में शिक्षक दिवस मना रहा होता। पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यह संकट भी बहुत ही जल्द हमारे देश से टल जाएगा। आइए इस समय हम शिक्षक दिवस को एक आध्यात्मिक रूप से मनाएं। जैसे भौतिक संसार में शिक्षा पाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए हर स्तर में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में हमें आत्मिक शांति पाने के लिए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आत्मिक शिक्षा और आत्मिक शिक्षक की आवश्यकता होती है। आज हमारी आत्मिक शिक्षा पवित्र बाइबल की शिक्षा है, और हमारा शिक्षक हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। पवित्र बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, पर जीवन की पुस्तक है, जिसमें जीवन के हर सवाल का उत्तर है, जिसे पढ़कर साधारण मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करता है। पवित्र बाइबल में हम 66 पुस्तक देखने को पाते हैं, जिसमें से 39 पुस्तक पुराने नियम के और 27 पुस्तक नए नियम के हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही इन पुस्तकों के लेखक अलग अलग हैं, या अलग अलग जगह से हैं, या अलग अलग समय में यह लिखा है, वे एक ही आत्मा की अगुवाई से इस सारी पुस्तकों को लिख पाए हैं। और आत्मा है पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा, जैसा हम वचन में देखने को पाते हैं। दूसरा तिमोथियुस 3:16 में उसमें कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझने और सुधरने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी हाँ प्रियो,
जैसे भौतिक विकास के लिए किताबी शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर चरित्र के विकास के लिए धार्मिकता और नैतिक भी उतना ही जरूरी है। जैसे वचन बतलाती है, नीति वचन 1:7 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। उसी प्रकार यहेजकेल नबी भी अपने पुस्तक में यो कहते हैं, यहेजकेल 3:3 में यो लिखा है, तब उसने मुझ से कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अर्थात मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। यहाँ यहेजकेल नबी का खाने का अर्थ है पढ़ लो और समझ लो। इस पुस्तक को अर्थात धर्मशास्त्र को, जो यहोवा की दी हुई आज्ञा है, उसे पढ़कर उसका पालन करो। धर्मशास्त्र अर्थात पवित्र बाइबल परमेश्वर के दी हुई आज्ञा, प्रतिज्ञा तथा करुणा और दया का लेख है, जिसे परमेश्वर के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें मानना सिखाते हैं, उस पर चलना सिखाते हैं। यीशु मसीह ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनका जीवन ही हमारे लिए बहुत बड़ा और आदर्श उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अपने शिष्यों को सिखाते थे, आज उसी प्रकार हम भी यीशु के चेले हैं। प्रभु आज हमें भी अपने जीवते वचन से और अपनी आत्मा की अगुवाई से हमें सिखाना चाहते हैं कि हम सत्य को जानें। आज के विशेष अवसर में हमें जान लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें शिक्षता और शिष्यता के विषय में क्या बताना चाहते हैं। पहला, हम यीशु के मित्र हैं। यूहन्ना 15:14-17 पद में वचन बतलाता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जी हाँ प्रियो, यीशु ने हमें अपना मित्र कहा है और वे चाहते हैं कि जिस प्रेम और दया उसने हमारे लिए दिखाई है, वही प्रेम, दया, क्षमा हम हर एक कोई एक दूसरे के लिए दिखाएं। दूसरा, सत्य पर पकड़ और विश्वास की दृढ़ता। यूहन्ना 14:6 पद में हम पाते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ प्रियो, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। यूहन्ना 8:31-32 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का लहू हमें स्वतंत्र करता है, सारे पापों से, सारे बंधनों से, सारी अज्ञानताओं से मुक्त करता है। और हाँ प्रियो, हमें त्रिएक ईश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है, उसके त्रिएकत्व पर विश्वास करना है। वह अलग नहीं पर एक है। जैसा हम पाते हैं यूहन्ना की किताब 10:30 पद में यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। उसी प्रकार यूहन्ना 12:45 पद में कहता है,
और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। जी हाँ प्रियो, हमारा विश्वास का मूल आधार यीशु ही हो, जिसने परमेश्वर के प्रेम को अपने क्रूस मृत्यु के बलिदान के द्वारा प्रकट किया और अंत में हमारे सहायता के लिए पवित्र आत्मा दिया, जैसा लिखा है यूहन्ना 15:26 में। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। इसलिए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ें कि हम सत्य को जानें और विश्वास से ना भटके। पौलुस प्रेरित आज उसी बातों को अपने पवित्र वचन में कहता है, 1 तीमोथियुस 6:3-5 में लिखता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब पर ताक करने का रोग है। उसे डा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 3, उपदेश की चौकसी, आदर और आज्ञाकारिता। कुलोसी 3:16 में वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आज हमें हर एक को चुना है कि हम उसकी वचन को एक दूसरे के साथ बांटें, पर चौकसी के साथ, जैसा लिखा है 1 तीमोथियुस 4:16 में, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। उसी प्रकार दूसरा वचन देखेंगे, 2 तीमोथियुस 4:5 में वचन कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मसीह में प्यारो, आज हमें वचन प्रचार करने के समय अपने प्राचीनों के अधीन भी रहना है, उनका आदर करना है, जैसा वचन कहता है 1 तीमोथियुस 5:17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनने और सीखने में परिश्रम करते हैं, वे दो गुने आदर की योग्य समझे जाएं। उसी प्रकार दूसरा पाठवचन रोमियो किताब 13:1 में कहता है, हर एक व्यक्ति सक्रिय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, और उस सबसे बड़ी आज्ञा अर्थात प्रेम को हम हर कोई अपने जीवन से पूरा करें। प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो, वरन एक दूसरे के निर्बलताओं को सह लें। 4, चेलों और भाइयों के लिए प्रार्थना। मसीह में प्यारो, केवल शिक्षा देना या वचन सुनाना काफ़ी नहीं है, हमें अपने भाइयों के लिए
प्रार्थना भी करना है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह के बिना हम सब अधूरे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर अंत लोग अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। जब वे पकड़वाए जाने वाले थे तब वे अपने शिष्यों के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते थे, जो हमें मिलता है यूहन्ना 17:9-11 में। उसमें कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु यह जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जी हाँ प्रियो, जिस प्रकार यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार हम भी अपने विश्वासी भाई बहन तथा परिवार और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें कि हम सब मसीह प्रेम में बढ़े जाएं, परमेश्वर की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसा मसीह का स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी मसीह जैसा हो। आज हमारे मसीह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक यीशु ही है, जो हमें हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। आज हम संसार के नहीं पर यीशु ही के चेले बन जाएं, कि हम उसकी उद्धार को अपने शरीर में हर वक्त पहन कर चले। प्रभु इस वचन पर बहुत अच्छा आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन की ज्योति को हम सब पर प्रकाश किया कि हम तेरे वचनों की शिक्षा की बातों को सीख पाते हैं। पिता, हम सभी विश्वासी भाई बहनों के संग शक्त हो ले और हमें विश्वास में बढ़ा कि हम तेरी शिक्षा को अपने जीवन में लागू कर पाएं। हमारे मंडली तथा पेरिस के संडे स्कूल शिक्षकगण, कलीसिया के पादरी, प्रचारक तथा अगुओं की रक्षा रखवाली कर कि वे तेरे प्रेम और भय सहित हमारी अगुवाई करने पाएं। हमारे पापों को क्षमा कर और इस दिन धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी कोई आशीष ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय वस्तु के साथ इसी समय शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।